प्रभास की फिल्म सलार आज थिएटर्स के अंदर रिलीज कर दी गई है। जिस तरीके से मूवी की हाइप बनी हुई थी ना, थिएटर्स में भीड़ भी खूब देखने को मिला। अब ये फिल्म कैसी है, फिल्म की स्टोरी क्या है, इसी बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। टेंशन मत लो, स्पॉइलर नहीं दूंगा, वीडियो को एंड तक देखना। तो मूवी में कुछ दोस्ती पर ही ज्यादा फोकस किया गया है और काफी लोग कह रहे थे कि KGF से लिंक होने वाली है, तो इसका जवाब है नहीं, ये KGF से लिंक नहीं होने वाली है। इसकी स्टोरी एक फ्रेश स्टोरी है, जैसा कि प्रशांत नील ने हर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। अब आपको बता दूं कि फिल्म की स्टोरी के बारे में बात कर ले तो खानसार एक साम्राज्य, खानसार के राजगद्दी पर बैठने के लिए एक दूसरे से ही लोग लड़ते हैं इसमें। अब राजगद्दी के लिए जिस तरीके से फाइट होती है सबके बीच, काफी वायलेंस से भरा होने वाला है। जी हाँ, अभी तक आपने एनिमल में वायलेंस देखा है, वो एक छोटा सा हिस्सा था, जो कि सलार में आपको उससे भी कई ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वायलेंस दिखाया गया, जैसे कि हाथ पैर कट जाना, ये सब खुले आम दिखा दिया गया इस मूवी में। पहले ही सेंसर बोर्ड की ओर से ए सर्टिफिकेट इस मूवी को दिया जा चुका था। और बात करें इस फिल्म की KGF से लिंक है कि नहीं, काफी लोगों को लग रहा था कि इसकी कहानी KGF से लिंक होने वाली है, तो प्रशांत नील ने इंटरव्यू के दौरान भी इसके बारे में काफी बार बात किया था, लेकिन रूमर्स का मानना था कि नहीं, इसमें रॉकी से लिंक आपको मिलेगा। तो जी नहीं, इस फिल्म में कोई भी रॉकी से लिंक नहीं मिलता है, इसकी कहानी बिल्कुल ही फ्रेश होने वाली है। बाकी इसके डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF से रिलेटेड ही इसमें काम किया, जैसे KGF में हमने ग्राफिक्स देखा था, वैसे ही सालार में भी हमें कुछ सीन्स देखने को मिलेंगे। बात करूं इस फिल्म के लीड रोल में नजर आने वाले प्रभास की, तो इनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो काफी बिल्डअप दिखाया गया है। बाकी कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे थे इस फिल्म को डंकी से, तो डंकी की एक अलग कहानी है और इसकी एक अलग, मतलब कि दोनों मूवी कहीं से भी जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही, तो कोई क्लैश नहीं कर रही एक दूसरे को, दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अभी तक आपने सलार मूवी नहीं देखा है तो जाकर देख लो, KGF से ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन KGF से कम भी नहीं है, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है उन्होंने KGF जैसा फील इसमें दिया है, आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है।